हेलो अच्छो जीओसी, बाकी जीओसी में जो पोर्शन हम लोग देखे होंगे, आपने एक वीडियो देखा है जिसमें नॉमिनिक्लेचर मैंने दिखाया हाइड्रोकार्बन का, बॉन्ड लाइन का। एक वीडियो में हम लोगों ने नॉमिनिक्लेचर देखा फंक्शनल ग्रुप का, एक में हमने देखा एरोमेटिक कंपाउंड का। जबकि इसके बाद जब जीओसी का पोर्शन हम स्टार्ट किए तो एक वीडियो आपको मिला है आइसोमेरिज्म का, एक अगला वीडियो में आपको मिला है टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स अटैकिंग रिएजेंट, एक वीडियो आपके पास है रेजोनेंस का। लेकिन एक वीडियो जीओसी में जो हमारा बहुत कमी था वो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। तो आज के इस छोटे से पार्ट में हम इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और इसका एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इसका एप्लीकेशन, इन सबको हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव का वर्ड आया है इंड्यूस से। फैक्ट्री में अगर कोई पेन बन रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन, लेकिन एक गुण का ट्रांसफर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी साधु संत के संपर्क में हो तो धीरे धीरे मुझ में भी वो गुण आ जाएगा साधुवाद का, तो इसको कहेंगे इंड्यूस करना। अगर मैं किसी बदमाश आदमी के संपर्क में हूं, वो जो कंटिन्यू गाली गलौज देता है, तो हमारे मुंह में भी कुछ धीरे धीरे वो लक्षण आ जाएगी। तो गुण का ट्रांसफर को कहते हैं इंड्यूस करना, प्रेरण, प्रेरणा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है निर्माण। तो इंडक्टिव इफेक्ट का वर्ड बना इंड्यूस से। लेकिन हमारे ऑर्गेनिक में जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये क्या बोलता है, इसका कहना है कि अगर एक कार्बन का चैन हो, एक कोई कार्बन चैन के राइट या लेफ्ट या ऊपर या नीचे कहीं भी एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चैन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफर हो, मे भी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, तो इलेक्ट्रॉन का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट उसी ओर होने लगेगा। लेकिन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो उसकी ओर खिंचाएगा, और अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उससे दूर जाएगा। मतलब मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ ही होगी, यह ध्यान दीजिए। मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ही होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट का स्टेटमेंट को एक बार हम लोग देखते हैं ऊपर से, आइए। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। तो मैंने बोला इंडक्टिव एक परमानेंट इफेक्ट है। द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अलोंग द कार्बन चैन, एक कार्बन चैन के अलोंग द कार्बन चैन, व्हेन सम एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, डिफरेंट में दो बातें हो सकती है, कम भी ज्यादा भी, हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन अटैच टू कार्बन चैन। ये तो आप स्टेटमेंट देखे, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अलोंग द कार्बन चैन व्हेन सम एटम और ग्रुप ऑफ एटम विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन अटैच टू कार्बन चैन। अब एटम या ग्रुप ऑफ एटम का जो बात करते हैं वो क्या है, अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब है तो ये सब एटम हो जाएंगे, लेकिन कभी कार्बोनेट, कभी सल्फेट, कभी नाइट्रेट, कभी साइनाइड, कभी एफिजेट, ये सब हो तो ये सब हो जाए ग्रुप ऑफ एटम, ये सब हो गए ग्रुप ऑफ एटम। अब यहां पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट में दिखाता हूं, मैंने कार्बन का चैन लिया सी 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 सी, इसके एक तरफ राइट तरफ मैंने एक एलिमेंट या एटम को जोड़ा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। मैं दिखा रहा हूं एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। एक्स की जगह पे आप सोच सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब एक बदनाम एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। तो ये क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, परमानेंटली खींचेगा और अपने ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो एक्स जो है ये फ्लोरीन या क्लोरीन जो है सी वन पे खींचाव सबसे ज्यादा करेगा, बट कार्बन टू पे खींचाव थोड़ी कम और कम और कम। तो ये सबसे ज्यादा इंड्यूस हुआ, थोड़ा कम तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव, थोड़ा और पार्शियली पॉजिटिव, थोड़ा और पार्शियली पॉजिटिव, थोड़ा और पार्शियली पॉजिटिव, यानी कि दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। अगर खिंचाई नेगेटिव की तरफ हो तो इट इज कॉल्ड माइनस आई, अगर खिंचाई नेगेटिव की तरफ हो तो माइनस आई इफेक्ट को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट बोलते हैं, खींचना, इलेक्ट्रॉन को लव करना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करना, तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। ध्यान दीजिए, अगर खिंचाई नेगेटिव की तरफ होगा तो माइनस आई इफेक्ट, लेकिन एक कार्बन का चैन लिया फिर से सी 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 और यहां पर एलिमेंट को जोड़ा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, मतलब वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन की ज्यादा है, तो ध्यान हमेशा देना होगा खिंचाई हमेशा नेगेटिव की तरफ होती है, तो ये खींचेगा कि ढकेलेगा, यहां ढकेलेगा तो ये कार्बन नंबर वन ढकलाई भी सबसे ज्यादा फेस करेगा, तो अपने ऊपर ये पॉजिटिव बनाएगा ढकेल के, इस पे पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली नेगेटिव। तो
तो लेकिन चूंकि ढकलाई होगी तो इसको बोलेंगे प्लस आई, तो यहाँ खिंचाई होगा तो माइनस आई, ढकलाई होगा तो प्लस आई। अब प्लस आई इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो दो प्रकार की कैसे हुई, कार्बन चेन के अलोंग अगर एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से डिफरेंट है, ज्यादा या कम, इलेक्ट्रॉन का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट उसके तरफ होगा। अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट है तो उसकी तरफ खिंचाएगा माइनस आई, अगर कोई पॉजिटिव ग्रुप है तो उससे दूर जाएगा प्लस आई। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। तो ये बात तो समझ गए, खिंचाई भी होती है, ढकलाई भी होती है, माइनस आई भी होती है, प्लस आई भी होती है, बट खिंचाई सबसे ज्यादा करता कौन है। तो ये जो ऑर्डर आपको हम डालने वाले हैं ये मैक्सिमम ऑर्डर है, इससे ज्यादा ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। चलिए माइनस आई में जिसमें खिंचाई होती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, सबसे पहले NF3 पे एक प्लस, फिर NR3 पे एक प्लस, 3 डिग्री एमीन का है, फिर NH3 पे प्लस, फिर NO2, फिर CN, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एसिड, देन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तब मिथॉक्सी, तब अल्कोहल, तब ट्रिपल बॉन्ड, तब NS2, तब फिनाइल, लगभग बराबर है, तब डबल बॉन्ड, लास्ट में हाइड्रोजन। यानी कि खिंचाई में सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे वीक, प्लस आई में माना ढकलाई होती है, माना प्लस आई में ढकलाई होती है, बट ढकेलता सबसे ज्यादा कौन है, ढकेलता सबसे ज्यादा आपका टर्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, टर्ट 3 डिग्री, देन आइसो, देन इथाइल, देन मिथाइल। तो खींचने में ये ऑर्डर, ढकेलने में ये ऑर्डर, ये ऑर्डर माइनस आई में, ये ऑर्डर प्लस आई में। अब इंडक्टिव इफेक्ट का स्टेटमेंट तो आपके पास है, दो प्रकार पता चला, माइनस आई है प्लस आई है, बट इसका एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा हम किसी भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को पकड़ सकते हैं। अगर एसिडिक नेचर पे बात करना हो या बेसिक नेचर पे बात करना हो या उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे बात करना हो तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा काम करता है। इसे कुछ सवाल के द्वारा हम आपको दिखा सकते हैं। आइए, व्हिच इज मोर स्टेबल, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, एफ सी एस टू सी ओ माइनस, नाम है फ्लोरो एसिटेट या क्लोरो एसिटेट या ब्रोमो एसिटेट या आइडो एसिटेट या फ्लोरो एसिटिक एसिड से बना। एक्चुअली ये रहा होगा यहां एच, एक एच को प्लस किए होंगे, यहां पर माइनस आया होगा, तो फ्लोरो एसिटिक एसिड था तो फ्लोरो एसिटेट आयन हो गया, क्लोरो एसिटिक एसिड था तो क्लोरो एसिटेट आयन हो गया। बट मेरा सवाल है ए बी सी डी में ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी के पीछे एक रीजन है। अगर आप पे चार्ज बढ़ेगा तो आपकी स्टेबिलिटी घटेगी, अगर आप पे चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, और चार्ज अगर घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखिए फ्लोरीन एक माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये माइनस आई करके अपने ऊपर नेगेटिव बनाने का कोशिश करेगा और यहां पर लाएगा पार्शली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को धीरे धीरे खत्म करेगा। तो फ्लोरीन के द्वारा खिंचाओ, क्लोरीन के द्वारा खिंचाओ, ब्रोमीन के द्वारा खिंचाओ, आयोडीन के द्वारा खिंचाओ, तो खिंचाओ सबसे ज्यादा कौन करेगा, फ्लोरीन, क्योंकि यहां का चार्ज सबसे ज्यादा खत्म होगा, और यहां का चार्ज अगर सबसे ज्यादा खत्म होगा यानी कि ये कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया ए बी सी डी। सबसे ज्यादा स्टेबल ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। रीजन क्या है, अरे रीजन तो साफ दिखता है कि क्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव करेगा अपने ऊपर, और ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव लाएगा, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को डिमिनिश करेगा, खत्म करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, CH3COO- ClCH2CO- फिर NO2CH2CO-, ये तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो देखते हैं क्लोरीन के द्वारा खिंचाओ और नाइट्रो के द्वारा खिंचाओ, और ये तो सिंपल एसिडेट एसिड है, तो नाइट्रो सबसे ज्यादा खिंचाओ करेगा, तो ऑर्डर हो जाएगी सी बी फिर ए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं दिखा रहा हूं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां NO2 सबसे ज्यादा खींचेगा, और खींच के अपने पे नेगेटिव, सामने पे पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इसको न्यूट्रल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NO2 CH2COO- CH2 डबल बॉन्ड CHCO- F CH2CO-, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फिर देखिए यहां NO2 है, यहां फ्लोरीन है, ये दोनों में तो ये जीत रहा है, फ्लोरीन हार रही है, और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गई, मतलब उल्टा ग्रुप हो गई, लोग तो खींचने वाला है ये समझिए ऑलमोस्ट ढकेलने वाले की तरफ चला जाएगा। इसका आप देख सकते हैं यहां पर बहुत पीछे है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बहुत पीछे है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें होगा ए, उसके बाद सी, तब बी, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए सी बी, लेकिन रिएक्टिविटी का ऑर्डर बात करेंगे तो उल्टी हो जाएगी, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ, ये रिएक्टिविटी का हुआ। अगला सवाल,
इंडक्टिव इफेक्ट को एक और सरल भाषा में आप ले सकते हैं, एक स्टेटमेंट हम लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इन सिग्मा बॉन्ड। चाहे तो इस स्टेटमेंट के जगह पे छोटा भी आप रख सकते हैं अपने मुंह पर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होना, वो भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एसिडिक ऑर्डर का भी जवाब हमारा दे सकता है इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे अगर हमारे कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का संख्या, नंबर या स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये मेरा खुद का लाइन बनाया हुआ है। अगर हमारे कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का संख्या या स्ट्रेंथ, संख्या मतलब नंबर है 1, 2, 3, 4, और स्ट्रेंथ का मतलब आयोडीन से स्ट्रेंथ में ब्रोमीन है, ब्रोमीन से क्लोरीन है, क्लोरीन से आयोडीन, क्लोरीन से आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन से नाइट्रो है, ये हो गया स्ट्रेंथ। तो अगर हमारे कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का संख्या या स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का संख्या घटेगा तो ज्यादा बेसिक हो जाएगी, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप बढ़ेगा तो ज्यादा बेसिक हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूं इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बाकी सब चीज कॉमन है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल भी है और सबसे ज्यादा एसिडिक भी है। कारण क्या है, ये सबसे ज्यादा खींचेगा, खींच के यहां पर सबसे ज्यादा प्लस लाएगा, और अगर यहां पर प्लस लाएगा तो एच प्लस को रिपेल सबसे आसानी से करेगा, जबकि यहां थोड़ा कम रिपेल होगा, थोड़ा कम, और जहां एच आसानी से रिपेल हो यहां से एच निकालना बहुत आसान है, और आर्हेनियस ब्रोंसोलॉजी कंसेप्ट के मुताबिक ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगी। तो एसिडिक ऑर्डर ए बी सी डी, अब बेसिक पूछे तो फिर डी सी बी ए, नेक्स्ट दिस, ये तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, एसिडिक एसिड क्लोरो एसिडिक एसिड, और इधर हो गया हमारा 1, 2, 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। तो चैन बढ़ेगा तो एसिडिक ऑर्डर घटेगा, तो ये दोनों में अगर हम देखें तो ये जीत रही है, और ये दोनों में देखें तो ये जीत रही है, ये दोनों में क्लोरीन के कारण और ये दोनों में चैन के कारण जीत रही है, तो नो डाउट बी तो सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे ही। लेकिन इसके बाद फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसको जिता दिया, भले चैन एक बड़ी है, तो बी के बाद सी, सी के बाद ए, ये है हमारा एसिडिक ऑर्डर हुआ। फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड में ज्यादा एसिडिक होना है, अभी तुरंत बोला था चैन बढ़ेगा एसिडिक ऑर्डर घटेगा, तो सर ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। अब इसको देखते हैं, क्लोरो एसिडिक एसिड और इधर थ्री क्लोरो एसिडिक एसिड या थ्री क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, ये दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये आपको चैन छोटा है बाकी सब चीज तो कॉमन है। अब ये तीनों में फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ये तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, 2 मिनट पहले एक लाइन बोला है, अगर हमारे कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का संख्या या स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें नाइट्रो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग करने वाला, और यहाँ पे CH3 ये रिपेलिंग वाला, तो यहाँ पे प्लस आई लग रही है, यहाँ पे माइनस आई लग रही है, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा बी, उसके बाद ए, तब सी, बी सी ए। अब ई दोनों में देखें तो ज्यादा एसिडिक कौन है, खुद सोच लीजिए, यस ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसमें आइडो, इसमें फ्लोरो, ये ज्यादा एसिडिक है। तो ये कुछ सवाल आया इंडक्टिव इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एप्लीकेशंस, एसिडिक पे सवाल, बेसिक पे सवाल, स्टेबिलिटी पे सवाल, रिएक्टिविटी पे सवाल। अब एक अगला इफेक्ट आपके सामने हम रखते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, छोटा सा इफेक्ट है, और क्लास 12 का अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है, तो इसके एप्लीकेशन का चिंता बिल्कुल ना करें, पूरा चैप्टर ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पर बैठा हुआ है। इस इफेक्ट का कहना है द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द एटम इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रीजन। ठीक है, हम क्या बोले, हम समझाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई दो एटम हो, डिफरेंट एटम, और दोनों के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, दो बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड है तो पाई भी होगा, तो अगर इस सिचुएशन पे कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, या आइदर न्यूक्लियोफिल या इलेक्ट्रोफिल, तो ये दोनों का जो पाई होगा वो टोटली किसी एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, जो दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आइए, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द एटम इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट। ठीक, हम यहां दिखाते हैं, अगर इस पे हम गौर करें तो पहले देखें यहां पर है कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों एटम अलग अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग होगी। अब इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, कार्बन को खुश करने के लिए 4 डंडा, तो 2 डंडा इधर है, 2 डंडा इधर है,
ओ है, ज्यादा नेगेटिव है, कार्बन है। अगर इसके ऊपर कोई एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक किया, कोई भी न्यूक्लियोफिल या इलेक्ट्रोफिल अटैक किया, तो जैसे ही कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तो इस मल्टीपल बॉन्ड का जो पाई होगा ये टोटली किसी एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और शिफ्ट उसके ऊपर होगा जो दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो नो डाउट ऑप्शन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शिफ्ट होगी, इसमें बन गया पार्शली नेगेटिव, इसमें बन गया पार्शली पॉजिटिव। अब अटैक करने वाले कौन आए हैं ये देखेंगे। अगर अटैक करने वाले न्यूक्लियोफिल हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो वो अटैक करेगा पॉजिटिव पे, ये अटैक कर देगा यहां, और क्या बनेगा देखिए, ओ पे माइनस जैसा है वैसा ही रह गया, और कार्बन पे दो डंडा तो था, और ये प्लस और इसका माइनस हो गया, न्यूट्रल बन गया दिस। तो अटैक करने वाला यहां कौन था, माइनस की प्लस, माइनस तो कहलाया माइनस ई इफेक्ट। लेकिन अगर अटैक करने वाला कोई इलेक्ट्रोफील होता तो ये प्लस इस माइनस पे अटैक करता, तो ई ऐसा ही रह जाता, दिस देखिए वैसा ही है, और यहां ओ माइनस के प्लस ही हो गया, ओके, मतलब ई है प्लस ई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो दो टाइप की होती है, माइनस ई प्लस ई, डिपेंड करता है अटैक करने वाला कौन है। अटैक करने वाला अगर नेगेटिव है, न्यूक्लियोफिल है, तो इट इज माइनस ई इफेक्ट। अगर अटैक करने वाला कोई इलेक्ट्रोफिल है, पॉजिटिव है, तो इट इज प्लस ई इफेक्ट। अब इसके एप्लीकेशन को तो मैंने बोला पूरा चैप्टर है, बट एक एप्लीकेशन आपको हम दिखाते हैं। इट इज कार्बोनाइल ग्रुप, इसको पर अटैक किया HCN, हाइड्रोजन साइड। तो जैसे अटैक किया शिफ्ट, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब H प्लस इस माइनस पे आया, और ये माइनस इस S प्लस पे आई, C पे गई। अब गौर करें, C पे कुछ है पता नहीं, छोड़ देते हैं। C पे प्लस, CN पे माइनस, C पे प्लस, CN पे माइनस, ये हो गए न्यूट्रल, और O नेगेटिव, H पॉजिटिव, बन गई OH। अब बीच में बॉन्ड हो गया सिंगल, दिस इज साइनोहाइड्रिन। तो ऐसे ऐसे ढेरों एप्लीकेशन आपको मिलेंगे जो कि बैठा हुआ है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के ऊपर, पूरा एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में है। तो मैं इस इफेक्ट से बाहर चलता हूं एक बार अपनी आवाज में स्टेटमेंट देते हुए। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द एटम इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट। अब अटैक करने वाले न्यूक्लियोफिल है तो वो प्लस पे अटैक करेंगे, अगर इलेक्ट्रोफिल है तो माइनस पे अटैक करेंगे, और माइनस अटैक एक माइनस पे अटैक करेगा प्लस, तो होगा प्लस इफेक्ट, और अगर माइनस अटैक करेगा प्लस पे तो हो जाएगा माइनस इफेक्ट। नेक्स्ट, एक लास्ट इफेक्ट आपके सामने ला रहा है, हाइपर कंजुगेशन। इसका एक और भी नाम है नो बोन रेजोनेंस, एक और भी नाम है सिग्मा पाई इफेक्ट। स्टेटमेंट हम 10 बार भी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा जब तक काम ना समझाए। चलिए एक बार स्टेटमेंट हम बोल देते हैं सरोज रानी। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस इन विच, जिसमें डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस थ्रू ओवरलैप बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड ऑफ पी ऑर्बिटल्स। बट बोले क्या, वेट करो, अल्फा हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेट। अल्फा हाइड्रोजन को हाइपर कंजुगेट कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से किसको है, देखिए एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2, यहां पे प्लस है, तो जिस पे प्लस होगा इसके बगल वाला कार्बन को कहेंगे अल्फा, फिर बगल में बीटा, फिर बगल में गामा, फिर डेल्टा, फिर ओमेगा चलता है। तो जिस पे आपका चार्ज है प्लस या माइनस, इसके बगल वाले को कहेंगे अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन को ही हाइपर कंजुगेट कहते हैं। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है कितना, दो, तो यहां पर हाइपर कंजुगेट हो गई दो। तो अल्फा हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेट। बट एक लाइन बहुत बहुत जरूरी है, मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट मोर इज द स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेट का संख्या होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। हाइपर कंजुगेट की संख्या जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा हम कार्बाकेटायन का स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी पकड़ सकते हैं, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी पकड़ सकते हैं, यहां तक कि अल्कीन का भी स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी पकड़ सकते हैं, लेकिन कार्बा एनायन पे ये कुछ नहीं बोलता है। इट इज अ डिमेरिट ऑफ हाइपर कंजुगेशन की कार्बा एनायन का स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी पे बात ही नहीं करेगा, जब भी करेगा तो कार्बोकेटायन पे, फ्री रेडिकल पे और अल्कीन पे। अब कुछ सवाल आपको दिखाते हैं स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी का। देखिए, क्लोरो इथेन 2-chloropropane 2-chloro 2-methyl propane, अगर हम इसको हेट्रोलाइटिक फ्यूजन कर दें तो ये तो माइनस होगा, ये प्लस होगा, बॉन्ड टूट गई हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से। अब इसको देखिए नीचे ला रहे हैं, यहां पे CH2, दिस H को मैंने खोल के रखा है।
अब गौर करें, ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का काम करेगा और ये मूव करना चाहेगा पॉजिटिव की तरफ, यानी कि नीचे झुकेगा और झुके इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव करेगा, ये चार्ज न्यूट्रल हो जाएगी। अब गौर करें कि ये बॉन्ड हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, आई में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बाई इफेक्ट, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो गई आई में, और चूंकि यहां कोई बॉन्ड नहीं है सो इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, लेकिन यहां का चार्ज का हटना इसके स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, अब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो स्टेबल हो गई। बट यही चीज हम कितने बार कर सकते हैं, तीन बार, एक बार ऊपर से किए, एक बार नीचे से कर सकते हैं, एक बार पीछे से कर सकते हैं। तो यहां पर हाइपर कंजुगेट हो गया तीन, माने तीन अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि हाइपर कंजुगेट हो गया तीन, माने इसका स्टेबिलिटी है तीन बार, तीन गुना स्टेबिलिटी मान सकते हैं। जबकि इसी में चलते हैं, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसको हटाते हैं तो हाइपर कंजुगेट कितना, छह, तीन तीन छह, तो छह अल्फा हाइड्रोजन हो गई, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है, क्योंकि छह बार अपने आप को न्यूट्रल स्टेबल कर सकता है, तो तीन बार कर सकता है। जब इसमें आके देखते हैं थ्री डिग्री में तो नौ हाइपर कंजुगेट है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसी, इसके ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी। रीजन क्या है, हाइपर कंजुगेट तीन, हाइपर कंजुगेट छह, हाइपर कंजुगेट नौ, मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट मोर इज द स्टेबिलिटी। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो हो गया कार्बोकैटायन पे। जैसे एक सवाल और हम देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारा प्लस है और यहां पे कहीं हमारा प्लस है, यहां पे प्लस है, आपको अल्फा हाइड्रोजन गिनना होगा। अगर यहां पे प्लस है तो यहां पर दो हाइड्रोजन, यहां पर दो हाइड्रोजन, अल्फा अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना मिला, चार अल्फा हाइड्रोजन, जबकि यहां पर दो दो चार, चार और तीन सात, यहां पर सात अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि दिस वन इज मोर स्टेबल। कुछ नहीं करना है, प्लस को देखो, कनेक्टेड कार्बन को देखो, अल्फा हाइड्रोजन गिनो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेट उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं। फ्री रेडिकल में कैसे देखेंगे, चलिए एक कंपाउंड है क्लोरोइथेन, इसको फ्री रेडिकल से तोड़ देते हैं होमोलैटिक फ्यूजन से, डॉट, और फिर इस कार्बन के बगल में हो गया अल्फा हाइड्रोजन, फिर से अल्फा हाइड्रोजन तीन, फिर यहां पे डॉट, खत्म करें, अल्फा हाइड्रोजन छह, फिर हटाएं, डॉट से होमोलैटिक से तोड़े, डॉट, अल्फा हाइड्रोजन नौ, तो जितने ज्यादा है अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो नौ छह तीन, फिर से ये ज्यादा स्टेबल हमारे, फिर से ये ज्यादा स्टेबल हो गए, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेट उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इसमें आते हैं। तो फ्री रेडिकल में तो देख सकते हैं, कार्बोकैटायन में तो देख सकते हैं, लेकिन अल्कीन में कैसे देखेंगे। अब अल्कीन में देखने का तरीका है सीधा सीधा, डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़िए और ये हो गया अल्फा, डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़िए, ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन के गो छह, अल्फा हाइड्रोजन के गो तीन, तो इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी है। एक ही लाइन सुनना है, जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेट, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, इसमें कितना है, इसको पकड़िए, बोलेंगे तीन, बोलेंगे दो, बोलेंगे पांच अल्फा हाइड्रोजन, यहां पकड़िए, बोलेंगे दो अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अरे अल्फा हाइड्रोजन गिनने का, रिजल्ट देने का, आपकी दोनों में किसकी है। सर अगर मैं इसको पकड़ रहा हूं तो यहां दो और यहां दो चार, इसको पकड़ेंगे तो यहां दो, यहां तीन और यहां दो, कितना हो गया, दो दो चार, अच्छा तीन सात, सात अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर हो रहा है चार अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेट, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन को ही तो हाइपर कंजुगेट कहते हैं। अब मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट मोर इज द स्टेबिलिटी। तो हाइपर कंजुगेट का एप्लीकेशन, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन, सच बोले तो यही सब ऑर्गेनिक का जान है। सिर्फ नोमेनक्लेचर कर लेने से आप क्लास 12 का ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, रटना पड़ेगा, और वो किसी के बाप का भी हिम्मत नहीं है कि ऑर्गेनिक को कोई रट ले। समझ लो दीपक, नमस्ते।